पड़ गए पायल के सारे ताव। अब क्यों मांग रही हैं पायल माफी? मलिक फैमिली पर फिर से मंडराया डर। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हमारा खास शो जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आज हम बात करेंगे पायल मलिक की, कि वैसे तो पायल मलिक ने अपने ब्लॉग में माफ़ी मांग ली है। दरअसल पिछले वीकेंड के बार में पायल की मुलाकात शो के होस्ट अनिल कपूर से हुई थी। अनिल कपूर ने स्टेज पर खड़ी पायल की बात घर वालों से करवाई थी और पायल ने विशाल की क्लास लगा दी थी। गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है, लवकेश की भी है, अरमान की भी है, विशाल की भी है। विशाल की गलती क्या है कि विशाल को कान में बात नहीं बोलनी चाहिए थी, गिल्टी वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। इन अ गुड वे इन अ बैड वे वो कोई नहीं सुनेगा। आप अगर कान में बोल रहे हो, अगर मैं किसी को, अब मान लो मेरे साथ लोग बैठे और मैं इसको कान में कुछ बोलूं, कान में बोलना ही गलत होता है, बैड मैनर्स होती है, आपको नहीं करना चाहिए था। फिर आपने जो दूसरी चीज वो की कि भाग्यशाली वाली बात की, और फिर वहाँ भी लवकेश ने जो बात बोली वो भी मुझे गलत लगी। जब आप बोल रहे भैया भाग्यशाली, लवकेश बोल रहा है अच्छा, तो मुझे अब पता लगा कल तू क्या देख के बात कर रहा था। तो वहाँ पे वो लोग जिम कर रहे थे और जिम के आउटफिट पहने थे। अब मुझे नहीं पता क्या देख के बात कर रहा था, वो किस वे में बोला है किस वे में नहीं बोला। अब बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे अब ये कटारे के पीछे पड़ गई। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं उस बात को जस्टिफाई कर रही हूँ कि वो बात कैसे शुरू हुई, कैसे ये सब इतना सब तोम तड़ाका हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो मेरी गलती मैंने मान ली, अरमान ने अपनी गलती मान ली, अब आपको क्या ये नहीं लगता कि लवकेश को भी गलती अपनी माननी चाहिए? क्योंकि उसने जगह जगह पे बोला है कि हम, मुझे लगा गलत इंटेंशन से बोला। पायल ने कहा था कि विशाल आपने कहा है कि मैं गिल्टी हूँ, और फिर आपने कहा कि मैं अपने आप को बहुत ही गलत समझता हूँ। मैंने आपको ये बोलते देखा कि आपने बोला कि कृतिका भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ये बात सीधे कृतिका से बोलते तो वो इतनी गलत नहीं लगती, लेकिन आपने कान में बोला कि भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पायल के ये कहने के बाद अरमान भड़क गए और उन्होंने विशाल के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बिग बॉस के घर से बाहर से ये विषय उठ गया था और अब बाहर भी ये एक चर्चा का विषय बन गया था। ऐसे में इस बार वीकेंड के वार में आए थे विशाल के मम्मी पापा। विशाल के मम्मी पापा ने कहा कि जो पायल ने बात बोली, क्योंकि विशाल का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल उसका स्टेटमेंट था ही नहीं। कृतिका विशाल ने आपसे ये कहा था कि भाभी आप बिना मेकअप के अच्छी लगती हो। यही चीज़ विशाल ने लवकेश के कान में भी बोली थी कि भाभी बहुत सुंदर है। उसके बाद उसने कहा इन अ गुड वे, इस बात को आपने गलत समझ लिया। विशाल के मम्मी पापा ने बयान के बाद पायल ने अपने ब्लॉग पर खुलेआम लोगों से माफ़ी मांगी। पायल ने कहा कि आज के एपिसोड में मैं सबसे कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, अरमान जी ने उस थप्पड़ के लिए माफ़ी मांग ली है और मेरी तरफ से भी माफ़ी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वर्ग में सेंटेंस में कुछ वर्ड चेंज होने की वजह से मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बोलने का टोन भी मेरा बहुत गलत था, मुझे थोड़ा शांत होकर उससे पूछ लेना चाहिए था। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब ये टॉपिक को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने भी इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है, तो बाहर इसे खींचने से कोई मुद्दे की बात नहीं बनेगी, इससे और मत उछालो। जब विशाल बाहर आएगा तो हम उससे खुद माफ़ी मांग लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। हालांकि शो पर भी विशाल अपने मम्मी पापा को इसी बात पर ख़त्म करने को कहते हैं और कहते हैं कि जो होगा आगे देखा जाएगा। अब आगे देखने के लिए ये होगा, क्या विशाल पूरी तरह भूल पाएंगे मलिक फैमिली का ये ड्रामा, या फिर होगा नया ड्रामा? देखिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।